के विकास के साथ चले और भाजपा का बोर्ड भी बनने जा रहा है। मैं आपको भाजपा की तरफ से संयोजक होने के नाते, वार्ड नंबर 21 के संयोजक होने के नाते से मैं ये बात आपको संकल्प करके कहता हूँ कि जिला प्रमुख और प्रधान, पंचायत समिति तारानगर में प्रधान और जिला प्रमुख चूरू जिले में भाजपा का बनने जा रहा है। इसमें किसी तरीके की शक्ति नहीं है। और जिस प्रकार से कांग्रेस सरकार ने अपने विजयी बनाए और सबका साथ सबके विकास के साथ चले और भाजपा का बोर्ड भी बनने जा रहा है, मैं आपको भाजपा की तरफ से संयोजक होने के नाते, वार्ड नंबर 21 के संयोजक होने के नाते से मैं ये बात आपको संकल्प करके कहता हूँ कि जिला प्रमुख और प्रधान, पंचायत समिति तारानगर में प्रधान और जिला प्रमुख चूरू जिले में भाजपा का बनने जा रहा है। इसमें किसी तरीके की शक्ति नहीं है। और जिस प्रकार से कांग्रेस सरकार ने अपने पिछले 2 सालों के कार्यकाल में जनता के प्रचार के लिए आए हैं, आपका स्वागत करते हैं। हम मुद्दा बताए चुनाव के मूल जो मुद्दा हमारे गांव का विकास के लिए, हम यहां भाजपा से प्रतिनिधि जो खड़े हुए हैं, हमारे गांव में काफी समस्या है। जिस प्रकार से प्रशासन हमारे इधर ध्यान नहीं दे रही है, उसको मेन मुद्दा लेके चल रहे हैं हम यहाँ। और सर्वप्रथम तो हमारे गांव के विकास में जो भी बाधा आ रही है, उसका सावा ग्राम पंचायत के पहले सहयोग मांगेंगे, उसके बाद तारानगर तहसील में ब्लॉक जो 18 नंबर का हमारा यहाँ का प्रतिनिधित्व करेंगे, हम उसके लिए वहाँ पंचायत समिति में मांग रखेंगे। और बजट के भी यहाँ जो कमी रहेगी, उसको हम सुचारू रूप से मांग रख के कार्य करने की। अगर इस ब्लॉक की जनता श्रीमती बीना देवी को यहाँ से पंचायत समिति सदस्य चुनके अगर भेजती है, तो क्या आप हमेशा जनता के बीच में कायम रहेंगे? हमेशा जनता के बीच में रहेंगे, जनता के बीच में रह रही हैं, और जनता के जो भी समस्या है उसको सुनने के लिए हम प्रतिबद्ध रहेंगे, और हमारे दरवाजा हमेशा जनता के लिए खुला रहेगा। इस ब्लॉक के जो युवा वोटर हैं, जो ज्यादातर वो इस बात में सपोर्ट करेंगे, जैसे खेल और शिक्षा के क्षेत्र में आगे उनका उनके प्रति किस तरह योगदान रहेगा आपका? यहाँ के युवा वोटर जो हैं, वो हमारे यहाँ समर्पित हैं, और उनके जो भी खेल के लिए जो प्रारूप है, उनके यहाँ धावक के लिए जो ग्राउंड बना रहे हैं, उसके लिए स्टेडियम के लिए, उनके जो ट्रैक जो बन रहा है उसके हम मांग रखे हैं, और वो विधायक जी से या संसद महोदय से हम मांग रखेंगे। ज्यादातर ये देखा जाता है जो बीडीसी उम्मीदवार चुनाव जीतने के बाद क्षेत्र में जनता के बीच में नहीं रहते हैं, तो आपकी क्या सोच रहेगी? नहीं, जनता के बीच में तो हमेशा बीडीसी, ये तो उनके प्रावधान है। हमें भाजपा के प्रतिनिधि होने के नाते हमें जनता के बीच में ही रहना है, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। जनता का समस्या हमेशा हल करने की हमारे प्रतिबद्ध जो विचार है, जनता के साथ रहेंगे, जनता के साथ रहेंगे। आपका सावा ब्लॉक का उपतहसील भी, यहाँ सबसे बड़ी समस्या कौन सी है जिस पर सबसे पहले आपका ध्यान रहेगा? सबसे पहला तो हमारे चिकित्सा विभाग जो है, उसको सुचारू रूप से चलाना, शिक्षा के लिए स्कूल को देख रेख करना, और जो हमारे जलदाय विभाग है उसका भी, जो हमारे यहाँ के जो मेन हेड ऑफिस सावा से गंधेली चली गई है, उसको वापस लाने की हम भरपूर कोशिश करेंगे। एक जो आपके आसपास की जो पंचायत है, यहाँ पर सरकारी कॉलेज की मांग कर रहे हैं, तो उसके प्रति आगे क्या सोच रहेगी, अगर प्रतिनिधि के तौर पर आपको मौका मिलता तो इस क्षेत्र से? हमारे यहाँ जो सरकारी कॉलेज के लिए मांग रखी गई है, उसके लिए हमारे गाँव के भामाशाह जो जी आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं, इस ब्लॉक से जो बीडीसी उम्मीदवार हैं, चुनाव मैदान में हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं, जो वादे किए हैं, जिन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में गए हैं, तो क्या आप विश्वास दिलाएंगे मीडिया को, अगर ब्लॉक की जनता इनको मौका देती है तो आगे हमेशा जनता के बीच में कायम रहेंगे? जी बिल्कुल, आज सावा में ग्राम पंचायत चुनाव में बीडीसी मेंबर जब से बनाए तब से लेकर आज तक सिर्फ एक बार बीडीसी मेंबर भाजपा का जीता है, वो मेरे पापा थे। उस समय जो बीडीसी मेंबर ने काम करवाए थे, शायद इतिहास में आज तक कभी भी किसी पंचायत समिति सदस्य ने इतना काम नहीं करवाया होगा। ये जो मुद्दे हैं कि बीडीसी मेंबर काम नहीं करवा सकते, उस पे मैं बताना चाहूँगा कि वो कार्यकाल याद दिलाना चाहूँगा, कम से कम 8 सड़कें सावा में पंचायत समिति कोटे से यहाँ आई थी, और पंचायत समिति में जितने पावर होते हैं वो शायद किसी और सदस्य के पास नहीं होते। ये लोगों का भ्रम है कि पंचायत समिति सदस्य के पास कोई पावर नहीं होता। हम पंचायत समिति में प्रधान के सामने, किसी भी पंचायत में प्रधान कोटे से ही, पंचायत समिति से ही पैसे चलते हैं, और वहाँ से विकास की शुरुआत होती है, और वहाँ हम अगर मजबूती से बैठेंगे तो विकास जरूर होगा, और इसमें हम प्रतिबद्ध हैं। भाजपा हमेशा विकास के साथ रही है और रहेगी।
तो क्या संकल्प देंगे कि श्रीमती वीणा देवी अगर यहाँ से पंचायत समिति सदस्य चुन के जाती है तो ये ब्लॉक भ्रष्टाचार मुक्त, भाजपा का ये ब्लॉक है जो भ्रष्टाचार मुक्त है, नशा मुक्त है, सब सवाल मिशन ब्लॉक बनेगा? बिल्कुल, भाजपा का मूल मंत्र यही है, सबका साथ सबका विकास, इसमें किसी भी तरीके की कोई संख्या नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी, आपका मीडिया से विशेष बातचीत करने करने के लिए। नवल जी, हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जा रहा है जिस तरह से कांग्रेस सरकार दो महीने तक ये होटलों में बैठी रही थी और जनता का बिल, बिजली बिल उन्होंने बढ़ाया है, तो होटलों में उन्होंने खाया और